साईयो। कड़ाके की सर्दी पड़ी है, आप इस वक्त यहां? जब काम जरूरी हो तो ना मौसम देखा जाता है और ना समय। इतनी सारी उदी किसके लिए? शायद कहीं इसकी जरूरत पड़े। इसे छोड़ो, आप अपना जरूरी काम बताओ। बनो मत साईं, सब कुछ जानते हो फिर भी पूछ रहे हो। तात्या ने बताया मुझे कि तुमने आज का शाम का खाना किसी जरूरतमंद को खिला दिया। मैं क्या करता भाई समा, बेचारा बहुत भूखा था और बहुत दूर से आया था मुझसे मिलने। किसी को खाना खिला दो उससे मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन तुम भूखे सो ये मुझे स्वीकार नहीं। मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भाजी और भाकरी लाई है, लो जल्दी से खा लो। अपना ख्याल नहीं रखते हो साईं? वैशमा, बरसों बरस पहले किसी से वादा किया है, उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। बरसों बरस पहले मतलब तुम्हारे बचपन की बात है क्या? बचपन के वादे के साथ साथ बचपना भी नहीं छोड़ा है तुमने साईं। सच, इतने सालों में भी तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाई हूं। तुम्हारा एक रूप इतना महान, समझदार और बड़प्पन से भरा हुआ, वही दूसरा जैसे एक छोटा सा जिद्दी बच्चा। साईं, इस उम्र में इतने जिद्दी हो तो बचपन में कैसे रहे होगे तुम? कैसे संभाला होगा तुम्हारी आई ने तुम्हें? हाँ, बहुत तंग किया होगा ना तुमने तुम्हारी आई को। कहते हैं गुजरते हुए वक्त के साथ साथ यादें भी धुंधला जाती हैं, लेकिन मुझे वो दिन आज भी साफ साफ दिखता है जब पहली बार तुम मुझसे मिले थे। क्या देख रही हो भाईजा मां? मैं हमेशा सोचती हूं कि यहां आने से पहले तुम क्या थे, कैसा था तुम्हारा बचपन? बस ये एक इच्छा हमेशा अधूरी रहेगी कि मैं तुम्हारा बचपन नहीं देख पाए। बेटे के बचपन पर तो मां का अधिकार है भाईजामा। राम जी ने ये इच्छा आपके मन में उत्पन्न की है,
तो उसका समाधान भी वही करेंगे। सच साईं, क्या अभी भी अवसर है? अल्लाह मालिक। जाने में देर हो गई। हाँ केशव, आइया साई के पसंद का शीरा बना रही थी नहरी में, उसी को लेकर आने में देर हो गई। साई कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहाँ चले गए? पता नहीं, आज सुबह मैं जल्दी आ गया था, उस समय भी साई नहीं थे। क्या साई नहीं है? आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ, सब ठीक है ना? बता भी नहीं सकता और बताए बिना रहा भी नहीं जा रहा। बस एक बार साईं से बात हो जाए तो मन का बोझ हल्का होगा। खैर, हम उनका इंतजार करते हैं। पिल्ले जी, आपके चेहरे बता रहे हैं कि बात बहुत गंभीर है। हो सके तो हमें बताइए, अगर साई नहीं है तो शायद हम ही आपकी कुछ मदद कर सके। लो, आ गए शिरडी। आजकल यहां रहता है वो। सुना है लोग बड़ा मानते हैं उसे। साई, साई कहते हैं लोग उसे यहां। मुझे यकीन है मुझे देखते ही पहचान जाएगा वो। चल। अंग्रेज अधिकारी अल्बर्ट मैथ्यू के आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हरिओम। अरे पहली बार हमारे वाड़े में आ रहे हैं वो। अभी अभी उनका पत्र मिला है, किसी भी समय वो यहाँ पहुंचते ही होंगे। हाँ, उनके लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनाओ जो उनको भाए, क्योंकि हृदय का मार्ग हमेशा पेट से होकर जाता है। बहू, कुछ अच्छा बनाओ। मैं? बिल्कुल। अरे तुम ही बताती थी ना, तुम्हारे पिताजी के यहाँ बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों का उठना बैठना लगा रहता था, उनके लिए हमेशा विदेशी पकवान बनते थे, तो वैसा कुछ यहाँ भी बनाओ। हरि ओम। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। सुबह सुबह बाहर आई क्यों मैं? सामने नहीं दिखती तो सासुबाई के हिस्से पड़ता है सब। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं सरकार, लगता है विशेष काम है अंग्रेज अधिकारी से आपको।
विशेष भी है और नगद नारायण की प्राप्ति भी होने वाली है। हरिओम। अगर इस कार्य को मैं पूर्ण करने में सफल रहा तो अंग्रेज सरकार की ओर से मध्यस्थता में मुझे बहुत बड़ी राशि मिलेगी। अंग्रेज सरकार एक बड़ी और लंबी सड़क बनवाना चाहती है जो शिरडी के बीचों बीच से जाती हुई महामार्गों को जुड़ेगी। इस कार्य के लिए गांव वालों की सहमति लेना और ये कार्य संपूर्ण करने का दायित्व भी मुझे सौंपा गया है। हरिओम। शिरडी के बीचों बीच मतलब बीच में तो बाजार है जिससे लगी एक पूरी। हरिओम। ये सब सोचने का तुम्हारा काम नहीं है। बस्ती का क्या होगा, हाट का क्या होगा, ये सब अंग्रेज सरकार का सिरदर्द है। मुझे तो केवल अपनी मध्यस्थता से मतलब है। जाओ, जाकर तैयारी करो। ससुर जी, जरा संभल कर। आपने जब जब बड़ी योजना बनाई है तब तब उस फकीर ने उस पे पानी फेरा है। जानता हूं मैं बहू, जानता हूं। मुझे मालूम है इस बार भी वो फकीर मेरे रास्ते में आएगा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। इस बार मेरे साथ अंग्रेज सरकार है और मैं चाहता हूं कि वो मेरा विरोध करे, मेरे रास्ते में आए। उसकी ईंट से ईंट ना बजा दी मैंने तो मेरा नाम कुलकर्णी सरकार नहीं, हरिओम। मदद की तो सिर्फ साई से ही उम्मीद है केशव। ये ऐसी बात है जो शिरडी ही नहीं बल्कि शिरडी के कई लोगों से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं सबसे पहले साई से इसके बारे में बात करना चाहता हूं। बस वो जल्दी से आ जाए क्योंकि मुझे डर है कि ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी, और अगर साई से पहले लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो लोग घबरा जाएंगे और लोगों को शांत करने वाला यहां कोई नहीं होगा। इतनी हिम्मत कि तू हमें सामान देने से मना करेगा? रुक, मैं अभी तेरी शिकायत कुलकर्णी सरकार से करूंगा। हाँ हाँ करो, सरकार को भी तो पता चले कि उनके नाम पर तुम दोनों कितनी धांधली करते हो। और अब से ये नहीं चलेगा, दोबारा यहाँ मुफ्त का सामान लेने आए तो हम खुद जाकर सरकार से तुम्हारी शिकायत करेंगे। हम भी जाके शिकायत करेंगे। हम भी शिकायत करेंगे, बहुत हो गई तुम दोनों की मनमानी। अब हम भी करेंगे शिकायत। बंता जी, मुझे लगता है हमारे यहां से निकल जाने में ही हमारी भलाई है। तो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखिए ना, कोई भी हमसे डर नहीं रहा, हमारी इज्जत नहीं कर रहा। संता जी ऐसे ही चले गए तो हमारी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। रुकिए। हाँ जा रहे हम, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ जाना है, लेकिन जब यहाँ सड़क बनेगी तब तुम सब कहाँ जाओगे? हाँ, अंग्रेज सरकार का फरमान आया है कि शिरडी को चीरते हुए एक बड़ी सड़क बनेगी, और जब वो सड़क बनेगी तो ना ही तुम्हारा ये बाजार रहेगा और ना ही तुम्हारी ये बस्ती। अब बोलती क्यों बंद हो गई? अरे बोलो ना, बहुत चौड़े हो रहे थे ना। चलिए संता जी। हाँ पंता जी चलिए।
क्या आप लोग को लगता है वो जो कह रहे थे वो सब सच है? वो लोग इतने चालाक भी नहीं कि ऐसा झूठ बोल सके। बाजार नहीं होगा तो हमारी दुकानों का क्या होगा? शांत हो जाइए आप सब। आज तक इस गांव में जो भी समस्या आई है साई ने ही उसे दूर किया है। हमें इस समस्या पर साई से चलकर बात करनी होगी। हाँ चलो चलो। सुनो जी काका, साई कहाँ मिलेंगे? साई साई तो द्वारका माई में मिलेंगे। द्वारका माई? द्वारका माई आप सीधे जाओगे, बाएं मुड़िए, आगे चौराहा आएगा, वहां से बाएं लोगे, थोड़ा आगे जाके आपको बाएं में द्वारका माई मिलेगा। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं। साई से मिलने आया हूं, खाशाबा नाम है मेरा। शिरडी में आपका स्वागत है। जो जमीन हमारे पुरखों की है वो अंग्रेजी सरकार कैसे ले सकती है भला? ये अंग्रेज सब लूट लेते हैं, अब हमें कौन बचाएगा? श्रद्धा और सबूरी रखिए, साई हमें इस मुश्किल से भी निकालेगा। लेकिन साई है कहां? वो तो आज गांव में भिक्षाटन करते भी नहीं दिखे। अगर ऐसा है तो हमें ये बात जल्द से जल्द साई को बतानी होगी। चलो ताता केशव, हम जाकर साई को ढूंढते हैं। चलो चलो। जल्दी आ जाओ, इन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। आखिर तुम हो कहां? यहां से बाएं जाने के लिए कहा था उस आदमी ने। द्वारका मई यहीं कहीं होगी। साई से मिलने की बेताबी भी बढ़ती जा रही है। देखने में तो बहुत बदल गया होगा वो अब तक, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि
है अंदर से वैसा ही होगा, निस्वार्थ और दूसरों के लिए जीने वाला। सुनो, तुमने साई को कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिले। हो सकता है किसी और ने साई को ढूंढ लिया हो। वापस द्वारका माई जाके देखता हूं। साई मिले? हमने भी शिरडी का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया, लेकिन साई कहीं नहीं मिले। कहां गए होंगे साई? वो तो किसी को बिना बताए शिरडी के बाहर नहीं जाते। किसी को तो कुछ बोला होगा। कल रात को जब आप यहां पर आई थी, तब साई ने आपसे कुछ कहा था, शायद आप बताना भूल गई। कुछ भी नहीं कहा था साई ने, और ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया था कि वो कहीं जाने वाला है। कहां चले गए तुम साई? साई के बिना हम क्या करेंगे? साई को सब पता होता है, तो उन्हें ये भी पता होगा कि इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, और वो हमें इस तरह रास्ते पे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पर वो है कहाँ? उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं? कौन है ये? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा शिरडी में।